हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। यूएस मार्केट्स हमने कल देखा, एक अच्छी खासी रैली हमने देखी अक्रॉस दी काउंटर्स लेड बाय दी साइक्लिकल स्टॉक्स। इवन दो अगर हम देखें न्यूयॉर्क में करीबन 4-5 केसेस आए हैं, बट ये होप है कि ये शायद माइल्ड रहेगा। इवन दो वो ज़्यादा फैलता है बट दी इम्पैक्ट इज मिनिमल। सो जिसके वजह से हमने देखा अक्रॉस दी मार्केट इवन दो केसेस आ रहे हैं वहां पे रैली हमने देखी। एशियन मार्केट्स उसके विपरीत ट्रेड कर रहे हैं। सो वहां पे थोड़ा मिला जुला सा ट्रेड रहा है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स करीबन 100-125 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है। एसजीएक्स भी करीबन मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट अभी नेगेटिव दिखा रहा है। जब अभी हम कर रहे हैं 8:20 हो चुके हैं तो करीबन 40-45 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी। बट मैं इस पे थोड़ा और आपको बताऊंगा कि एसजीएक्स निफ्टी में क्या और निफ्टी में क्या करना चाहिए। पहले देख लेते हैं बाकी इंडाइसेस। ब्रेंट क्रूड अभी भी $70 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहां पे ओपेक प्लस की मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने जनवरी की जो प्रोडक्शन है 4 लाख बैरल्स पर डे वो इंक्रीज करेंगे, तो वो उतना ही मेंटेन रखा है, उससे ज्यादा वो बढ़ा नहीं रहे। सो वहां पे ये एक न्यूज है। गोल्ड की हम बात करें तो थोड़ा और नीचे आया है 1770 के रेंज में। तो ये मैंने जो कहा था 1800 के जैसे नीचे आता है तो इसका जो लोअर एंड ऑफ दी रेंज है वो 1740 के आसपास है और हायर एंड करीबन $1800 पर आउंस के आसपास है। रुपी स्टेबल ट्रेड कर रहा है 75 के आसपास, तो वहां पे कोई ज्यादा एक्शन है नहीं। FIS, ये फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कल भी यही हुआ। FIS ने करीबन 909 करोड़ की बिकवाली की है। उसके सामने अगर आप देखो DII, उन्होंने खरीदारी की है 1372 करोड़ की। तो मतलब जितना FII ने सेलिंग की है उससे ज्यादा DII ने खरीदारी की है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट वी आर मोर कॉन्फिडेंट देन दी FIIs आर। मे बी ईयर एंड में वो शायद प्रॉफिट बुक करते होंगे, या ये हो सकता है कि दे आर लुकिंग एट अ सर्टन लेवल, बियॉन्ड दैट दे विल स्टार्ट बाइंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम वैल्यू स्टॉक्स की बात करते हैं, कंफर्ट की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से DII इज ऑल्सो इन लाइन विद माई आउटलुक ऑन द मार्केट दैट अराउंड 17,000 लेवल्स वेयर वी हैव सीन 10% करेक्शन एक अच्छी खासी बाइंग हम कर सकते हैं। येस, इट कुड फॉल फर्दर मोर 5-7%, नोबडी कैन रूल आउट। बट 16,500 से नीचे अगर जाता भी है तो 16,200-16,100 के आसपास ये सेटल हो जाना चाहिए। तो DIS ने अच्छी खासी खरीदारी की है, सो 1372 करोड़ की। 10 ईयर जी से कितना कोई ज्यादा इंपैक्ट आया नहीं है, 6.35 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। नाउ कमिंग टू निफ्टी, मैंने कल अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था कि 17,300-17,350 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर सरपास कर लेता है और होल्ड करता है फॉर 2 डेज, विच इज येस्टरडे, अच्छा खासा होल्ड किया, 17,400 के आसपास क्लोज आया है। आज अगर देखिए कि एसजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, ये नेगेटिव ओपन हो सकती है। मेरा मानना है कि 17,300 को होल्ड करना चाहिए। अब जो रेजिस्टेंस था अब वो एक्चुअली सपोर्ट बन गया, तो 17,300 के नीचे मार्केट जाना नहीं चाहिए। आप 10-20 पॉइंट नीचे अगर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हो, 17,280-285 का स्टॉप लॉस ले सकते हो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड ऑन द इंडेक्स। इसका टारगेट रहेगा, अब जैसे मैंने पहले कहा था 17,550 से लेके 600, ये इसका टारगेट रहेगा। कंडीशन यही है कि आज का क्लोज 17,350 के ऊपर आना चाहिए। ये 2 दिन के इंपॉर्टेंट जो आउटलुक था। कल भी अगर आप नोटिस करोगे, कल एसजीएक्स निफ्टी 70-80 पॉइंट नेगेटिव दिखा रहा था, बट मेरा व्यू काफी स्ट्रांग था कि मैं पॉजिटिव हूं एटलीस्ट फॉर 2 डेज। सो कल अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखी। ये भी मैंने आपको कहा था कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी क्योंकि शॉर्ट्स इतने ज्यादा बिल्ड हो चुके हैं, सो नोबडी वॉन्ट्स टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और यही होता है जब सिंपल है, 17,000 पे एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेल, एट 18,500 एवरीबडी वॉन्ट्स टू बाय। ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। सो इसलिए शॉर्ट बिल्डअप होते हैं, रिटेलर्स फंस जाते हैं इसमें। हमें देखना चाहिए कि लेवल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे उसको एनालाइज करना चाहिए।
यही मेरा जॉब है और यही मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. यू कैन टेक दिस एज अ बेस जहाँ पे आप कुछ अपनी भी स्टडी करके ऐड कर सकते हो अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए. बट मेरा पॉइंट क्लियर है, 17,300 इट शुड होल्ड. 20-30-25 पॉइंट अगर आप नीचे स्टॉप लॉस लेके आप खरीद सकते हो, कोई बात नहीं है. अगर इंडिकेट भी कर रहा है एसडीएक्स निफ्टी 50-60 पॉइंट नेगेटिव, होल्ड करना चाहिए 17,300. सो इट्स वेरी क्लियर, 300 होल्ड करेगा तो वी आर हेडिंग टुवर्ड 17,550 से लेके 600. रेजिस्टेंस एट आज के लिए अगर मैं कहूं तो 17,500 है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है 17,600 जाना चाहिए. हमने आईपीओस के बारे में बात की, इसके ऊपर भी मैंने 2-3 दिन पहले एक पर्टिकुलरली 2 IPOs जो चल रहे थे उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया था. एक स्टार हेल्थ मैंने कहा था उसको आप अवॉइड कीजिए. और देखिए आईपीओ एक्चुअली पूरा सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, 79% सब्सक्राइब हुआ है. इवन दो इट इज बैक्ड बाय राकेश झुंझुनवाला, उनका अच्छा खासा स्टेक है, मेरे ख्याल से 17-18% स्टेक है, स्टिल इट डिडंट गॉट कंप्लीटली सब्सक्राइब. सो ये क्लियरली हमारा व्यू था कि स्टार हेल्थ को आप अवॉइड कर सकते हो, वो ठीक रहा है अभी तक. देखते हैं उसका लिस्टिंग कैसे होता है, क्या वो पेटीएम की तरह वो भी डिस्काउंट पे लिस्ट होगा, विल सी. टेगा इंडस्ट्रीज, ये मैंने आपको कहा था कि आपको बाइंग करनी चाहिए अच्छे खासे लिस्टिंग गेन्स के लिए और फॉर अ लॉन्ग टर्म. उसमें देखिए कल ये क्लोज हुआ है, सॉरी आज क्लोज होगा, सॉरी 14 times पहले ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है 2 दिनों में. आज मेरे ख्याल से ये 30-40 times सब्सक्राइब हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब. और एक आ रहा है आईपीओ आज से शुरू होगा मेरे ख्याल से, आनंद राठी वेल्थ का. इस पे मेरा व्यू है गिवन अ चॉइस अगर आप टेगा इंडस्ट्रीज और आनंद राठी, आपके पास 2 choice है. आज टेगा इंडस्ट्रीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप एडवाइस रहेगा आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एटलीस्ट 1 lot तो कीजिए. आनंद राठी कंपैरेटिवली मैं टेगा इंडस्ट्रीज के साथ जाऊंगा. आनंद राठी आप कर सकते हो, मेरा इसमें न्यूट्रल व्यू है, इतना मैं ज्यादा पॉजिटिव हूं नहीं, बट करने के लिए आप कर सकते हो. वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ओवर प्राइस भी नहीं है, अंडर प्राइस भी नहीं है, तो इट इज ओके. इतना ज्यादा लिस्टिंग गेन्स मिलेगा आई डोंट सी, बट येस इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई यू कैन, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टेगा इंडस्ट्रीज. सो दैट इज 1 point. नाउ कमिंग टू दी येस्टरडेज स्टॉक्स जो मैंने मेंशन किए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने कहा था कि 2500 के ऊपर जाएगा तो ही इसमें मोमेंटम बनेगा. देखिए 400-300 पॉइंट की रैली होने के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 क्रॉस नहीं किया. ये उसका हाई था करीबन 2495 के आसपास. ये 2500 क्रॉस करेगा तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी, पर्टिकुलरली रिलायंस इंडस्ट्री. आज अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 2 stocks साथ साथ एक बैंकिंग इंडेक्स, ये 3 चीजें हैं जो मार्केट को यहां से शॉर्ट कवरिंग लेके 17,500 से लेके 600 लेके जा सकता है. एक रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 के ऊपर क्लोज आया, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जो कि निफ्टी को भी हेल्प करेगी ऊपर लेके जाने में. सेकेंड इज L&T. कल L&T में भी मैंने यही कहा था 1800 क्रॉस करने दीजिए, 1810 जैसे ही ये क्रॉस करता है तो इसमें भी अच्छी खासी अच्छा खासा मोमेंटम रहेगा टूवर्ड्स 1900-1950. कल ये अटका था 1794-95 के आसपास, उसे क्रॉस नहीं किया. देखते हैं आज क्रॉस करता है कि नहीं, अगर ये क्रॉस करता है होल्ड करता है तो ये निफ्टी को भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ऊपर लेके जाने में. द थर्ड थिंग इज द बैंकिंग इंडेक्स. बैंकिंग इंडेक्स का अगर आपने कल नोटिस किया होगा तो इट अंडर परफॉर्म एज कंपेयर टू द निफ्टी. 36,500 ये आसपास, उसके आसपास ही क्लोज हुआ है. अगर आज उसको होल्ड करता है और 36,600 को क्रॉस करता है तो ये 36,800 से लेके 37,100 तक लेके जाएगा. सो बैंकिंग एक कैंडिडेट बन सकता है शॉर्ट कवरिंग के लिए. तो उसमें जो फ्रंट रनर्स रहते हैं जनरली स्पीकिंग, SBI, HDFC, कल HDFC लिमिटेड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. HDFC बैंक वॉज ओके, ICICI बैंक डिन डू वेल, SBI डिन डू वेल, इंडसइंड बैंक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आई, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था 1200 के लेवल से. तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आप देख के चल सकते हो, प्रोवाइडेड मार्केट होल्ड करता है.
आप इनिशियली सुबह सुबह अगर बाइंग के लिए अगर आप 10-15 मिनट रोक सकते हो, देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है फॉर द इनिशियल 10-15 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि ये होल्ड कर रहा है देन यू शुड बाय दीज स्टॉक्स जो मुझे लगता है कि शुड डू वेल। इसके साथ साथ और कुछ मैं स्टॉक्स शेयर करूंगा आपसे, 4-5 स्टॉक्स हैं और उस पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। एक है जी एंटरटेनमेंट, ये मैंने कई बार कहा है, 342 का क्लोज है, बहुत अच्छा लग रहा है, 350-60 इसको क्रॉस करने दीजिए, 400 आना है इसको। KNR Constructions ये 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 275-280 के आसपास है, 310 इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 10% है, सो 10% के लिए आप खेल मतलब ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं तो 310 एक बार क्रॉस होने दो तो ये इट कैन मूव अप टू 350-400 लेवल्स ऑल्सो। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन KNR Constructions। ICICI बैंक मैंने मैंशन किया है। टाटा मोटर्स एक अच्छी खासी रैली 350 से लेके हमने 540-550 तक देखा था, उसके बाद रिट्रेस होके मार्केट फॉल के साथ साथ ये 460-470 तक आया था। 460 इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मुझे नहीं लगता इसको ब्रेक करना चाहिए। वर्ड्स कम इट कैन कम अप टू 440, एक 20 रुपए का रेंज है जहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा। कल की क्लोज 472-475 के आसपास आई है, यहाँ से एक बार अगर शॉर्ट कवरिंग आती है ये इसको फिर से स्टॉक ये 500-550 तक लेके जा सकता है। मजगांव डॉक मैं पोर्ट बिजनेस पे भी काफ़ी पॉजिटिव हूँ, इवन दो इट हैज़ नॉट डन वेल मतलब एज कम्पेयर टू द मार्केट। मजगांव और दूसरा है अडानी पोर्ट, ये दोनों ही स्टॉक्स पे मैं पॉजिटिव हूँ। अडानी पोर्ट हमेशा 760 से लेके 780 पे जाके अटक जाता है, 800 क्रॉस होने के बाद 825 एक और एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 900-950 का आराम से बन सकता है। कल की क्लोज मेरे ख्याल से 740 के आसपास आई है, तो ये आप देख के चल सकते हो। मजगांव डॉक भी 300-350 आराम से आ सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, काफ़ी मैंने स्टॉक्स मेंशन किए हैं आप ये, और ये सारे ही काफ़ी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हैं, तो इसमें आप अगर मार्केट गिरता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो और आपका प्राइस आएगा और उसके ऊपर भी आप कमा भी लोगे। पॉइंट इज दैट कि डोंट गेट पैनिक, हर फॉल पे आपको बाइंग करनी चाहिए, क्या बाय करना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी हाई बीटा स्टॉक लोगे तो आप फंस जाओगे, आप हाई क्वालिटी स्टॉक देखिए और इट इज अगर बैक बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देन देयर इज नो इशू। सो दीज आर द स्टॉक्स यू शुड बाय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे साथ और हमारे चैनल के साथ, सो थैंक यू सो मच।